कोलकाता में गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी ने रिमांड में लेने के बाद रांची ले आई है। रांची लाते ही सबसे पहले उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया है। यहां उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मेडिकल टेस्ट के बाद ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। कानूनी लड़ाई के बाद ईडी को एडवोकेट राजीव कुमार की रिमांड मिली है। इसके बाद ईडी की टीम कोलकाता राजीव कुमार को पूछताछ के लिए लाने गई। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट के आदेश के आलोक में ईडी की टीम राजीव कुमार को रिमांड पर लेने के लिए शुक्रवार को कोलकाता पहुंची थी। न्यायालय के आदेश के आलोक में शनिवार को रिमांड पर लेना था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजीव कुमार को कोलकाता में ही रहने देने की मांग की। इसके लिए कोलकाता पुलिस की ओर दलील दी गई कि राजीव कुमार को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना से संबंधित एक ऑडियो भी पुलिस को मिली है, जिसमें रुपयों के लेन देन की बात है। मामले की जांच के लिए अभियुक्त की आवाज का नमूना लेना जरूरी है, इसलिए अभियुक्त को कोलकाता में ही रहने का आदेश दिया जाए। 31 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी। आरोप था कि उनके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने पहले 10 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में 1 करोड़ रुपए देने की बात तय हुई। पहली किस्त में 50 लाख रुपए लेने के लिए ही राजीव कुमार कोलकाता आए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।